हेलो। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी बच्चे, करें स्टार्ट। यस देखो, आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन में ही मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, आपने प्रैक्टिस की थी वो शीट जो आपको दी हुई है? हाँ जी बच्चों। हेलो, सर थोड़े से क्वेश्चन किए हैं अभी। ओके, थोड़े से हो गए थे क्वेश्चंस। सर। ओके, कोई बात नहीं, कल हम डिस्कस करते हैं। आज हम ये टॉपिक खत्म कर लें, जितने रह गए हैं। ये देखो, वाई एक्सिस है और ये है हमारा एक्स एक्सिस। आपको फिजिक्स के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, मैं आपको उतनी ही करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो, ऐसी कोई कर्व है, मैंने ऐसे कोई कर्व ड्रॉ कर दी। इस कर्व पर मैंने दो पॉइंट मान लिए, एक पॉइंट मेरा है ये वाला और एक पॉइंट मेरा है ये वाला। मैंने इस कर्व पर दो पॉइंट मान लिए। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये कर्व का मैक्सिमम पॉइंट है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये क्या है, ऐसे ना, कोई पार्टिकल है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, उसका जाने का रास्ता ये है, ऐसे ये पाथ है उसका, ये पाथ का मैक्सिमम पॉइंट हो गया। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इसके बाद जो ये मैं आपको करवा रहा हूं, ये डिफरेंशिएशन का टफेस्ट पार्ट है जो फिजिक्स में यूज होता है। सब पॉइंट ऑफ मिनिमम वो स्टार्टिंग पार्ट नहीं हो सकता कर्व का? नहीं बच्चे, ये थोड़ा सा ना नीचे है, बिल्कुल मैंने थोड़ा सा वो नहीं बनाया, ये बिल्कुल नीचे है पॉइंट। ठीक है, यस अब देखो, इसके बाद हमारे पास हेलो जशन,
देखो ये मैक्सिमा मिनिमा हम कर रहे हैं, मैक्सिमा मिनिमा में एक मैंने पार्टिकल का रास्ता पाथ ये ड्रॉ किया, पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ये पॉइंट उसका मैक्सिमा है, ये पॉइंट उसका मिनिमा है। अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं बच्चों, इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, यस। अगर इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो कैसा टेंजेंट होगा, ऐसा होगा, क्लियर? यस सर। अब तुम्हें पता मैंने कल करवाया था टेन थीटा क्या होता है, डीवाई अपॉन डीएक्स, क्या इसी इसे के लिए डीवाई है? नहीं है, डीवाई में तो कुछ चेंज नहीं है। बताओ भाई, कल मैंने करवाया था टेन थीटा इज इक्वल टू डीवाई अपॉन डीएक्स इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मुझे ये बताओ क्या इस लाइन के लिए dy का मतलब y एक्सिस के अलोंग चेंज है, इसके इस लाइन के लिए तो x एक्सिस के अलोंग चेंज है, y एक्सिस के अलोंग कोई चेंज नहीं है? नो सर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अक्रॉस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट अक्रॉस पॉइंट ऑफ मिनिमा कितनी होगी, बताओ भाई? जीरो। वेरी गुड, जीरो। याद रखना स्लोप ऑफ मैक्सिमा, या फिर लिख लो एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, स्लोप टेन थीटा क्या होगा बच्चों, जीरो होगी। तो मैक्सिमा मिनिमा पर dy अपॉन dx बच्चों क्या होगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो। जीरो, ये आप हमेशा याद कर लोगे इस चीज को। बस आपने ये याद रखना है मैक्सिमम पॉइंट पर एंड मिनिमम पॉइंट पर dy अपॉन dx यानी डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो होता है। कोई डाउट है किसी को? नो सर। मैक्सिमम पॉइंट पर एंड मिनिमम पॉइंट पर dy अपॉन dx क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, अब अगर इसके बाद मैं बात करूं, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? जशन, हेलो सर। हाँ जशन, समझ आ रहा है? यस सर। ओके, कल विच्चू ही क्लास चो चला गया सी, अद्धी क्लास चो? ओ सर, बैटरी कट सी गई। ओहो, कल तो मैं लिंक भी नहीं सेंड किया, मैं आज सेंड करता कल दे वाले लेक्चर वाला भी, आज दा भी। ओके सर, ठीक है ना, वो लगाना तेने मैं कह देना सीगा भी जरूरी है, क्योंकि उदे च काफी मैंने पार्ट करवाए सीगे कल। ओके ठीक है ना, डीपीपी भी दिती सी ते हुन तेरा काम इकट्ठा हो गया, कल वाला भी ते आज वाला भी, तेने पहले लेक्चर लगाने ने फिर जेडी डीपीपी सेंड कीती हुई है ग्रुप च वो बैठ के सॉल्व करनी है, कल आपा डिस्कस करांगे सारी डीपीपी। ठीक है। हां जी, आगे देखो, dy अपॉन dx जीरो होता है, dy अपॉन dx जीरो होता है, कौन से पॉइंट पर? मैक्सिमम वाले पॉइंट पर भी होता है, मिनिमम वाले पॉइंट पर भी होता है, क्लियर? अब इसके बाद इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूं, एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू x की पावर 3 है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा, जल्दी बताओ सारे। यस बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव 3x2 सभी को पता है। इसका मैंने एक बार और डेरिवेटिव लेना है, तो ये एक दो कोमा की जगह दो कोमे आ जाएंगे, कितना आ जाएगा? yes, अगर मैंने इसका तीन बार डेरिवेटिव लेना है तो कितना आ जाएगा? 6। कोई डाउट तो नहीं है? डेरिवेटिव हम जितनी बार मर्जी ले सकते हैं किसी भी फंक्शन का। yes, ओके, अगर हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो है, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या है, जीरो, जीरो, इसको हम वाई डैश भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू जीरो। कोई डाउट तो नहीं है? फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू जीरो रखना है, और सेकंड डेरिवेटिव यानी डबल डैश ग्रेटर देन अगर जीरो होगा तो उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। बस इस चीज को याद कर लो, अगर मैक्सिमा मिनिमा पर फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो रखना पड़ता है हमें,
फिर हम उसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो उसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्लियर। इसी तरह dy अपॉन dx जीरो है यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो जाए उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसको आप लर्न कर लो, ये मैथमेटिक पार्ट में आप बहुत अच्छे ढंग से समझोगे, फिजिक्स में जितना जरूरत है मैं उतना का समझा रहा हूं क्योंकि हमने फिजिक्स भी दोबारा स्टार्ट करनी है। किसी को नहीं समझ लगा ये चीज तो आप समझ सकते हो। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट है यहां तक, आगे चलें? नो सर। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है फिजिक्स के अंदर, ध्यान से सुनो मेरी बात, फिजिक्स के अंदर अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी पूरी प्लस वन पूरी प्लस टू में कहीं पर भी मैक्सिमा या मिनिमा की बात की हो, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए, ट्रिक है ये, किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर लिखा हो मैक्सिमा या मिनिमा की बात कर ले, तो आपने याद रखना है वहां डेरिवेटिव ले लेना है, उसको इक्वल टू जीरो रख देना है। क्या करना है, डेरिवेटिव लेकर इक्वल टू क्या कर देना है, जीरो कर देना है, सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। इसके बाद अगर मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट पता करना है, भी पूछे भी मिनिमा है या मैक्सिमा है ये पता करना है, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ गया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ओके बच्चो, सर हम बच्चे बोलो सर, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो नहीं है बच्चे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखना पड़ता है। आपको एग्जांपल से क्लियर होगा, मैं अभी एग्जांपल करवा रहा हूं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो फाइंड, ओके। आज ना सभी ने एक काम करना है, सभी बच्चों ने पढ़ते हुए ना, हेलो यस सर, सभी बच्चों ने पढ़ते हुए ना मोबाइल से स्क्रीन शॉट खींचना है और मुझे भेजना है, पढ़ते हुए ऑनलाइन जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना मोबाइल पे, आप पढ़ रहे हो स्क्रीनशॉट खींच लेना उसका, समझ आ गया? यस। फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट दिया हुआ वाई इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों ने पता करनी है। फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सारे बच्चे अपने वीडियो ऑन करना है एक मिनट के लिए। एक मिनट करना सभी ऑन, ऑन ही रखना अभी। ये तो फोटो लेते हुए आ रही है, हाँ जी कर लो, बाकी स्क्रीनशॉट भी ले लेना सभी, स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज देना मेरे नंबर पर। हाँ जी बच्चों करें, मैक्सिमम 0.2 हाँ मेरे पढ़ाते हुए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना,
तब आपने स्क्रीनशॉट लेना है पढ़ाते हुए। हाँ जी बच्चों, देखो सबसे पहले तो हमें किसकी बात की है, मिनिमा और मैक्सिमा की बात की है ना। जब मिनिमा और मैक्सिमा की बात करेगा तो तुम्हें याद है हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। यस बच्चों बताओ भाई, इसका क्या करना है हमने, डेरिवेटिव लेंगे लेना है और उसको इक्वल टू क्या कर देना है, जीरो। पहले मैं डेरिवेटिव ले लूं, 25 कितना आ जाएगा, 50x माइनस 10। कोई डाउट यहां तक? नो सर। ओके, अब क्या करना है, एट मैक्सिमा और मिनिमा पर। हां जी बोलो, dy अपॉन dx क्या होता है, अब x की वैल्यू हमारे पास 1/5 आ गई। तो इसके बाद ये हमें पता लग गया कि इस पॉइंट पर मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। हमें क्या पता लगा अभी तक, भी x इज इक्वल टू 1/5 पर मैक्सिमम पॉइंट भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। क्लियर? अब हमने ये श्योर करना है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट डेरिवेटिव का क्या कर लो, बोलो भाई, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव ले लो। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। बताओ, यस सर, ये 50 किससे बड़ा है, जीरो से बड़ा है। अगर जीरो से बड़ा होता तो इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। कोई डाउट है? नो सर, ये पॉइंट ऑफ क्या है, मिनिमा। इसके बाद हमें और भी चीज पूछ सकता है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, वाई मिनिमम वैल्यू कितनी है, पॉइंट कहां पर है मिनिमम, एक्स इज इक्वल टू 1/5 पर है ना, तो हमने वैल्यू पुट कर देनी है एक्स की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर, 1/5 पुट कर दो क्वेश्चन के अंदर, 1/5 5। तो ये कितना आ गया, जब आप इसको सॉल्व करोगे देखना, ये आ गया आपका 4 मीटर आ गया, -12 नहीं 4 आ गया, 4 आ गया ना। ये मैं और दो चार प्रैक्टिस करवाऊंगा, अभी आपको पहले क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर नहीं होगा, दोबारा फिर समझ लो एक बार। कहता हमें इस इक्वेशन के मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पता करना है, हमने जो इक्वेशन है जहां पर भी मैक्सिमा मिनिमा की बात कर ले, पूरी फिजिक्स के अंदर क्लास 11th एंड क्लास 12th की पूरी फिजिक्स के अंदर मिनिमा और मैक्सिमा की अगर बात कर दे, सबसे पहले क्या करना है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, इसको इक्वल टू क्या करना है, जीरो रख देना है, एक्स की वैल्यू आ गई, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों में से ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसके बाद हमें ये पता करना है ये मिनिमा वाला पॉइंट है या मैक्सिमा वाला पॉइंट है। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है उसका एक बार और डेरिवेटिव ले लो, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो ये इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हमें अगर क्वेश्चन में ये कह दे, अगर एक मिनट बस बच्चे, अगर हमें क्वेश्चन में ये कह दे कि मिनिमम वैल्यू निकालो, तो जो गिवन इक्वेशन है उसके अंदर आपने एक्स की जो वैल्यू निकाली है वो पुट कर दो, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। यहां तक अगर एक्स की वैल्यू 3 नहीं आएगी, नहीं एक्स की वैल्यू 3 क्यों आएगी, नहीं सर वहां पर लास्ट पर जब हमने एक्स की वैल्यू मतलब 1/5 पुट की है। अच्छा बच्चे, नहीं नहीं, ये जब हम कट करेंगे, 25 से 25 कट गया, 25 से 25 कट गया, यहाँ क्या बच गया, 1, यहाँ क्या बच गया, -2, यहाँ पर 5 प्लस 1 6, -2 कितना आ गया, 4। ये आपने भूल गया ना, इसको खत्म कर गया, 1 नहीं उड़ा दिया, ठीक है। लो भाई, अब सभी ने क्वेश्चन करना है, जिससे मैं पूछूंगा उसने बताना है कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। y is equal to 4x square minus 4x plus 7. Find point of maxima or minima
करो भाई इसको। जशन हेलो, हो गया सर? हो गया बच्चे? यस सर। हो गया सर? हो गया। हाँ जी, हाँ जशन, जशन हुनर सर, पॉइंट ऑफ मिनिमा सर इज ग्रेटर देन जीरो। पॉइंट ऑफ मिनिमा आया सर? यस। ओके, कितनी वैल्यू आई है एक्स की? किसी को कोई डाउट? एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू। अब हमने अगर मैक्सिमा मिनिमा करना है, ये आपको कहा नहीं हुआ? आपको मैक्सिमा मिनिमा की बात आपको कह रहा था, पॉइंट निकाल लो। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा भी पता करना है, मैक्सिमा या मिनिमा है, तो उसको इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेकंड डेरिवेटिव। अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव ले लूंगा तो वो एक्स आ गया, एट आ गया, विच इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये पॉइंट ऑफ क्या हो गया? मिनिमा। ये दो स्टेप क्लियर हो गए। अब तीसरा मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, वो पूछा नहीं है, वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा की वैल्यू पूछे भी कितनी मिनिमम वैल्यू होगी, तो हमने वाई मिनिमम यानी एक्स की जगह यहाँ पर वन बाय टू पुट कर देना है। पुट कर दो एक्स की जगह वन बाय टू, सिक्स आएगी। वन माइनस टू प्लस सेवन दैट इज सिक्स। देखो भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नो सर। आगे चले। यस सर। अब मैं फिजिक्स में इसकी क्या एप्लीकेशन होती है, मैं आपको वो करवा रहा हूँ बच्चे, फिजिक्स के अंदर। ठीक है, ये तो मैंने मैक्सिमा मिनिमा सिखाया, फिजिक्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं मैक्सिमा मिनिमा के, मैं वो करवा रहा हूँ। थोड़ा सा ये फिजिक्स का आप कह सकते हो सबसे टफ पार्ट है। आपके कोई भी सीनियर है ना, उनसे ये क्वेश्चन पूछ लेना, कोई भी नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये सारा टफेस्ट पार्ट गिना जाता है इसमें से। अगर आप कर दोगे तो आप बहुत अच्छे कर रहे हो। इट मींस हम इजी चीजें भी कर रहे हैं, हम टफ भी कर रहे हैं, हम कुछ मिस नहीं कर रहे अभी। अब पार्टिकल क्वेश्चन लिखो। अ पार्टिकल पोजिशन एज अ फंक्शन, a particle position as a function of time, x is equal to minus t square plus 4t plus 4. Find the time at which it comes at rest. Second, also find its position at that time. बच्चों, इस क्वेश्चन की मुझे हिंट बता सकता है कोई, इसको करना कैसे है? यस सर। यस सर। सर पे सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएशन वो निकाल लेंगे ना, dx / dt। क्यों सर? क्योंकि इन्होंने वो कहा है निकालने के लिए कि ये टाइम व्हिच इट कम्स एट रेस्ट, सो सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकाल के फिर टाइम t की वैल्यू जीरो कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। देखो बच्चों, इसमें देखो क्लियरली मैक्सिमा मिनिमा की बात नहीं कर रहा, लेकिन कह रहा पार्टिकल रेस्ट पे आएगा। रेस्ट पे पार्टिकल कब आता है? जब वेलोसिटी जीरो होती है। यह सभी को पता है पार्टिकल रेस्ट पे कब आता है? जब वेलोसिटी जीरो होती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डी एक्स अपॉन डी टी।
यानी मुझे वेलोसिटी को क्या करना है, जीरो। वेलोसिटी को जीरो करने के लिए मुझे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करने के बाद इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, जीरो। जीरो ठीक है, कर दें। Yes. Yes, बताओ भाई dx upon dt कितना आएगा, माइनस टू टी प्लस फोर कर दिया। अब इसको किसके इक्वल रख देंगे, माइनस टू टी प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो टू टी इज इक्वल टू फोर, तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया, टू। यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. Okay. इसके बाद बच्चों जब हमने टाइम निकाल लिया t इज इक्वल टू टू सेकेंड, ये टाइम ही पूछ रहा था वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। ऑल्सो फाइंड इट्स पोजिशन एट दैट टाइम, इससे टाइम पर पोजिशन भी पता करना, यानी ये t की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, गिवन इक्वेशन में, है ना, x आ जाएगी। सर सर माइनस टू टी का, टू टी का माइनस कहां गया, जशन माइनस टू टी उधर जाके प्लस टू टी हो गया ना। अच्छा ओके सर, टी की वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, टू की पावर प्लस फोर इंटू टू प्लस फोर, कितना आ गया ये, माइनस फोर, एट फोर ना, एट आया, एट मीटर, एट मीटर। बताओ कोई डाउट है? यस सर, आ गया समझ? सर 16 ही आएगा। 16 क्यों बच्चे? सर माइनस टू का स्क्वायर 4 होगा। नहीं यार ये माइनस टू का स्क्वायर नहीं है, माइनस तो आगे है, टी की वैल्यू को पुट करना है, टी की वैल्यू माइनस टू थोड़ा ना, माइनस तो आगे था इक्वेशन में, आप देखो ना, टी की वैल्यू को मैंने टू पुट किया तो माइनस तो आगे एज इट इज रहा ना, टू की पावर टू की। ओके करें अगला क्वेश्चन। ओके बच्चों लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है आपको, मैं क्वेश्चन ऐसे ही दिखा रहा हूँ, नोट करो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट करके सॉल्व कर दो। ये फिजिक्स के एक तरह के टफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, इसमें आपने हिम्मत नहीं हारने की, टफ नहीं मानना इन चीजों को, प्रैक्टिस करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, हम बहुत आराम से कर रहे हैं, बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं, कुछ मैं आपको कल और अच्छी चीजें करवाऊंगा, इजी चीजें करवाऊंगा, अच्छी चीजें करवाऊंगा, और पहले वाला टॉपिक भी हमारा उससे रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, कल मैं आपको अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें करवाऊंगा ताकि आपका पहले वाला टॉपिक भी रिवाइज हो जाए और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको और क्लियर हो जाए। कल मुझे याद दिलवा देना, आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन करवाने हैं, डायरेक्शन बेस्ड, भी नॉर्थ से लेफ्ट को चला गया, साउथ से राइट को चला गया, ऐसे क्वेश्चंस करवाने हैं, है इजी पार्ट वो, लेकिन आपको मजा आएगा करके। वो ये क्वेश्चन करो फटाफट, क्या किसी ने ये स्टेटमेंट उतार रहे हो? बताएगा कोई बच्चा कैसे करना है? सर एक मिनट, यहां पर ना ध्यान से देखो, हमें लिख दिया मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम की बात कर दी, जब हमें मैक्सिमम की बात कर देगा डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको जीरो को इक्वल कर देंगे। हाँ बिल्कुल, अब हमने डेरिवेटिव किसका निकालना है, एच का, एच का डेरिवेटिव क्या आएगा, डीएच अपॉन डी टी, यहाँ डीएच अपॉन डी एक्स नहीं आएगा, ये याद रखना, यहाँ आएगा एच का डेरिवेटिव डीएच अपॉन डी टी, भाई देख लो एच का डेरिवेटिव क्या आएगा, डीएच अपॉन डी टी, बताएगा कोई कितना आएगा डीएच अपॉन डी टी, हाँ ओनर, डीएच अपॉन डी टी, एच का डेरिवेटिव क्या आएगा, डीएच अपॉन डी टी आएगा ना, क्योंकि इस तरफ क्या है, टी है वेरिएबल, और इस तरफ क्या है एच, यहाँ वाई नहीं है, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं लिखना, यहाँ क्या लिखेंगे, डी एच अपॉन डी टी लिखेंगे,
यूपी का डेरिवेटिव क्या हो गया यू विदाउट माइनस हाफ जी एज इट इज, ये तो कांस्टेंट है। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है टू टी, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। आगे करते हैं, डी एच अपॉन डी टी यू एज इट इज माइनस जी टी। अब क्या कर देंगे, डी एच अपॉन डी टी को इक्वल टू जीरो, यू माइनस जी टी इज इक्वल टू जीरो, तो टी कितना आ गया हमारे पास यू अपॉन जी। ये नोट कर लो सभी, सभी बच्चे नोट कर लो फटाफट। सर यही रिजल्ट तो v is equal to u plus 80 से भी आ रहा है। v वो बच्चे आ तो रहा है, this is another type to solve physics numericals, है ना? ये तो मैंने पहले भी तुम्हें ड्राइव करवाया था v is equal to u plus 80, है ना? यस सर, मैंने उस फॉर्मूले से आपको डिराइव करवाया था, लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमा मिनिमा दिया हुआ हो आप सीधा क्वेश्चन करो, क्वेश्चन टफ क्वेश्चन को इजी वे से सॉल्व करने का तरीका है। अगर मैं इस क्वेश्चन को जहां मेरे पास मैक्सिमा मिनिमा लिखा हुआ है मैं उसको फिजिक्स के मेथड से करने लग जाऊं तो वो बहुत बहुत टफ हो जाएगा बच्चों, इसलिए हम इस पर मैथमेटिकल टूल अप्लाई करके इस क्वेश्चन को इजी कर रहे हैं। यस, इसको मैं इसी क्वेश्चन को एक मेथड से और भी करवाऊंगा आने वाले टाइम में, ग्राफिकल मेथड से। ये अलग अलग टाइप्स होती हैं, तो आपको हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट सिखाना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे कैटेगरीज होती हैं, उनको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, वो मेथड सिखा रहे हैं हम आपको। यस सर, कर दूं डन? यस सर, यस सर। ओके बच्चों, ओके, और प्रैक्टिस करवाऊं एक दो? लो ये प्रैक्टिस करो, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन दिस, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये विद रिस्पेक्ट टू है डब्ल्यू आर टी, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। कोई हिंट बता सकता है कैसे करेंगे क्वेश्चन को? वन मिनट, कोई भी बच्चा हिंट बता दे। डेरिवेटिव ऑफ वी, वेरी गुड। हमने देखो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी मैंने क्या पता करना है, डीवी अपॉन डीवी अपॉन डीआर, ये कहा है ना वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, इसका मतलब होता है डीवी अपॉन डीआर निकालना है। अगर मैंने डीवी अपॉन डीआर निकालना है 4/3 pi, तो बच्चों कांस्टेंट है ना ये 4/3 pi, तो कांस्टेंट है। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2r square, 3r 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 square,
अब वॉल्यूम हमने कब पता करना था, जब रेडियस की वैल्यू कितनी दी हो 20, आज में आर की वैल्यू को क्या पुट कर दो 20, अगर मैं आर की वैल्यू 20 पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, नोट कर लो इसको भी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करके दिखाओ, ये वाला अगला क्वेश्चन भी नोट कर लो। सर क्या है, फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ओहो फिर तो टफ हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया, टफ हो गया ये क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया बच्चों,
with respect to time at r is equal to 2 cm at r is equal to 2 cm लिख लो with respect to time at r is equal to 2 cm लिख लिया था ना क्वेश्चन यस सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया इसको आप लिख लो अभी रुक के करेंगे अभी जब तक आप डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तब तक आपको ये क्वेश्चन लगेगा टफ इसको हम नेक्स्ट टॉपिक के बाद करेंगे डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक रह गया मैं लास्ट टॉपिक करवा दूं हमारे पास लास्ट 4 मिनट रह गए अगर देख लेते हैं अगर आपको समझ लगता है तो ठीक है अगर नहीं लगता तो कल मैं ये टॉपिक दोबारा करवाऊंगा इसको बोलते हैं स्पेशल डिफरेंशिएशन लिख लो फटाफट है तो इजी अगर नहीं समझ लगेगा मैं कल रिपीट करवाऊंगा आपको स्पेशल डिफरेंशिएशन लिख लो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी डी टी अपॉन डी एक्स देखना मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को ऐसे लिख सकता हूं डी वाई अपॉन डी टी डी टी अपॉन डी एक्स लिख सकता हूं कि नहीं जल्दी बोलो यस सर डी टी से डी टी कट जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ही आ जाएगा है ना ये फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं स्पेशल डिफरेंशिएशन में किसी का मैंने अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो मैंने क्या निकालना है डी वाई अपॉन डी टी निकालना है फिर मैं क्या निकालूंगा उसका डी टी अपॉन डी एक्स फिर मैं दोनों को क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई तो मेरे पास क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन है अगर आज आपको समझ लगा तो ठीक है नहीं अदरवाइज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कल दोबारा कर लेंगे ये क्वेश्चन है देखो बच्चों हमने जो डिफरेंशिएशन की थी आपको मैंने किस चीज की डिफरेंशिएशन करवाई थी आपको याद है y इज इक्वल टू बताओ मैंने आपको किस चीज की डिफरेंशिएशन करवाई थी y इज इक्वल टू साइन x की डिफरेंशिएशन करवाई थी लेकिन ये क्या है y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर है आपको साइन x की डिफरेंशिएशन करवाई है x स्क्वायर की नहीं करवाई जिसकी नहीं करवाई उसको मान लो मैंने एक्स स्क्वायर की नहीं करवाई लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लो लेट जिसकी आपको डिफरेंशिएशन नहीं करवाई उसको मान लो टी तो वाई किसके इक्वल हो गया बच्चों साइन टी वाई इज इक्वल टू साइन टी और टी किसके इक्वल है एक्स मैंने आपको y is equal to sin x की इंटीग्रेशन करवाई है sin x square की नहीं करवाई जिसकी नहीं करवाई उसको t मान लो तो y is equal to sin t हो गया t की वैल्यू कितनी है x square दोनों का डेरिवेटिव ले लो यहां ले लो dy upon dt sin का डेरिवेटिव बताओ जल्दी कितना होता है cos t ओह वेरी गुड cos t अच्छा dt upon dx कितना हो जाएगा 2x और 2x वेरी गुड तो मैंने क्या निकालना था dy अपॉन dx अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं यस जब dy अपॉन dt की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूं कितनी वैल्यू है dy अपॉन dt की cos t dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी है बच्चों 2x कोई डाउट यहां तक ना सर ओके अब 2x cos t को मैंने क्या मानना था x स्क्वायर ये आपका आंसर आ गया लास्ट 1 मिनट रह गया ये टाइप अगर आपको नहीं समझ लगी तो मैं कल दोबारा समझा दूंगा टेंशन नहीं लेनी लेकिन आपने सारी डीपीपी करनी है जो मैंने आपको दी हुई है कल मैं डीपीपी भी डिस्कस करूंगा और ये टाइप भी दोबारा पढ़ लेंगे दोबारा सुन लो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन मैंने आपको नहीं करवाई साइन एक्स की करवाई है साइन एक्स स्क्वायर की नहीं करवाई तो इसको मान लो t तो ये बन गया y is equal to sin t और t is equal to x square इसका डेरिवेटिव ले लो इसका डेरिवेटिव ले लो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो तो dy upon dx सर इस लेक्चर का लिंक सेंड करोगे आप हाँ बच्चों मैं इस लेक्चर का लिंक आपको सेंड कर देता हूँ 3 बजे के बाद कर देता हूँ अभी मेरी कंटिन्यूसली क्लास है 3 बजे के बाद मैं कर दूंगा अगर नहीं आता ना लिंक आप साथ के साथ मैसेज कर दिया करो 2-4 बार करते रहा करो एक बार हमें पता नहीं लगता ना 2-4 बार करते रहा करो ओके बच्चों बाय टेक केयर कल डीपीपी करनी है पूरी ओके ओके ओके